नमस्कार, आप देख रहे हैं एबरसेंस न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्तु राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। संपूर्ण समाधान दिवस में आई 222 शिकायतें, 5 का मौके पर ही निस्तारण। तहसील मांड के सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 222 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व व आपूर्ति विभाग से संबंधित रही। साथ ही किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा भी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें आवारा पशुओं की समुचित व्यवस्था, यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरीर टेटेगांव के मध्य कट कस्बा सुरीर को ब्लॉक का दर्जा मिले, मथुरा जनपद में नौजील को यूपी रोडवेज का डिपो बनाया जाए, बाराजागढ़ी से कराहरी जाने वाले मार्ग को अवलंब बनाया जाए। इन मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन में प्रशासन को आगाह करते हुए चेतावनी के रूप में कहा गया है कि मांगे पूरी न हुई तो किसान यूनियन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। संपूर्ण समाधान दिवस के पूर्ण होने के बाद जिला अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण दिवस में जो अधिकारी नहीं आए हैं उनका वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अन्य शिकायतों पर भी बोले। उसके बाद तहसील में पैदल घूमकर तहसील का निरीक्षण भी किया गया। किस मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से प्रदेश महासचिव हूँ और हमने इससे पहले भी कई ज्ञापन दे चुके हैं। हमने योगी जी ने कहा था, ज्ञापन दिया था हमने गायों के बारे में, जो भी गौवंश है परेशान कर रहा है किसानों को, कि भाई इसका कोई निदान किया जाए कोई। तो उन्होंने दिया था 10 जनवरी का हमें समय दिया जाए, तो कोई भी मतलब कोई समस्या का हल नहीं हुआ है, सभी किसान परेशान है। फिर आ जाए हम इसके लिए ज्ञापन दिया यहाँ पे, तो हमको थोड़ा सा आश्वासन दिया गया है कि और थोड़ा समय दें हमें। देखिए, तहसील का जो संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज बाट तहसील में था मेरी अध्यक्षता, अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद रहे। मुख्य रूप से जो जनता की शिकायतें आई उनका निस्तारण हो सकता है मौके पर किया जाता है। बहुत सी शिकायतें ऐसी आती हैं जो सिविल कोर्ट के न्यायालयों में बात विचाराधीन है, व्यक्तिगत झगड़े हैं, भूख देने के कुछ विवाद है, जिनका निस्तारण सामान्यतः सुनवाई के दौरान नहीं हो सकता। उनमें से कुछ प्रार्थना पत्रों का भी चिन्हीकरण करके कि दोनों पक्षों को बुलाकर उठाना दिवस पर रख करके यदि समझौता हो उसको भी करा लिया जाए, उस दिशा में भी 4-5 प्रार्थना निर्देश दिया गया है। और जो कार्रवाई यहाँ पर होती है वो हम लोग गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हैं, विभागों से भी करवाते हैं। सर, ज़्यादातर